हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बैटमैन द केप क्रूसेडर का ट्रेलर रिवील किया है वार्नर ब्रदर्स ने। तो इस वीडियो में हम लोग इसी ट्रेलर का फुल ब्रेकडाउन और डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, जब ये ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि जो बैटमैन है वो दरअसल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है पब्लिक की नज़रों में। पॉपुलर इन द सेंस कि उसकी कोई अच्छी इमेज नहीं है, पूरे तरीके से एक पोलराइजिंग इमेज है उसकी। यानी मे बी कुछ लोग उसको पसंद करते हों कि वो अनऑर्थोडॉक्स तरीके से भी क्राइम को रोक रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो मीडिया है वो एक तरीके से बैटमैन को एज अ विलन पेंट कर रहा है। ये चीज़ हम इस ट्रेलर में भी देखते हैं कि जो मेयर होता है वो ये कहता है कि बैटमैन को अरेस्ट करना चाहिए और वो कोई हीरो नहीं है। इसका मतलब कुछ पब्लिक ऐसी है जो बैटमैन को हीरो मान रही है। अच्छा, फिर हमको ढेर सारे विलन्स दिखाए जाते हैं जो इस एनिमेटेड सीरीज में नज़र आने वाले हैं। सबसे पहले हार्वी डेंट हमको दिखाया जाता है। आप देख रहे हैं कि एक बैनर भी पीछे लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वोट फॉर डेंट, यानी वो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बनना चाहता है, इसके लिए वो वोट मांग रहा है, यानी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है पॉलिटिक्स में। फिर हमको दिखाया जाता है हार्वी डेंट जब टू फेस बन जाता है, उसका जो फेस जल जाता है। अच्छा गाइज, ये जो लुक है हार्वी डेंट का ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ज़्यादा अलग है बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में जो हमको टू फेस दिखाया गया था। उसमें आपको याद होगा जो टू फेस का चेहरा था, जो बर्न्ड हिस्सा था, वो थोड़ा सा कलरफुल था, यानी कलर्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं वो प्योरे तरीके से फ्लैश दिखाया जा रहा है उसका। तो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है इस बार हार्वी डेंट के लुक को। और जो सूट वो पहन रहा है वो भी नॉर्मल सूट है। ऐसे हार्वी डेंट का जो सूट होता था जब वो टू फेस बन जाता था तो सूट भी अलग अलग होता था। एक हिस्सा प्रॉपर होता था, एक हिस्सा थोड़ा सा कलरफुल या थोड़ा सा अलग दिखने में होता था, रफ। लेकिन यहाँ पे जो लुक दिया गया हार्वी डेंट को वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिया गया है। पर्सनली मुझे ये लुक पसंद आ रहा है। उसके बाद हमको एक माफिया दिखाया जाता है जो शायद सेल्वेटोर मैरोनी है। और आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे जो टू फेस का चेहरा जल गया था आधा हिस्सा, वो दरअसल सेल्वेटोर मैरोनी ही उसके ऊपर एसिड फेंक देता है कॉमिक बुक्स में, जिससे हार्वी डेंट का आधा चेहरा जल जाता है और फिर उसकी मंगेतर उसको छोड़ के चली जाती है, इसलिए पूरा मेंटल ब्रेकडाउन उसका हो जाता है। फिर बहुत इंटरेस्टिंग बैटमैन विलन हमको दिखा जाता है, क्ले फेस। आप देख सकते हैं इसने अपना चेहरा ढका हुआ है लाल कपड़े से। और इस बार जो क्ले फेस हमको दिखाया जा रहा है इस सीरीज में, तो ये कहा जा रहा है कि गोल्डन एज का जो क्ले फेस था, जो एक सीरियल किलर था, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और जो मॉडर्न वर्जन में हमको क्ले फेस दिखाया जाता है जो थोड़ा सा सुपर नेचुरल है, अपना रूप तुरंत बदल लेता है, तो शायद इन दोनों ओरिजिन्स को गाइज मिक्सअप करके हमको दिखाया जाए इस वाली एनिमेटेड सीरीज में। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा क्ले फेस है उसने रूप बदल के एक साइंटिस्ट का रूप लिया था, लेकिन उसके चेहरे पे आप देख रहे हैं एक पंच बना हुआ है। तो शायद उम्मीद यही की जा रही है कि बैटमैन ने इसको पंच किया है। और फिर आगे हमको ये दिखाया जाता है कि बैटमैन और एल्फ्रेड एक लाल कपड़े का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शायद ये वही लाल कपड़ा है जो क्ले फेस अपने मुँह पर बांध के रखता है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है क्ले फेस किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है और बैटमैन और क्ले फेस की सॉर्ड फाइट हो रही है। और जो लोकेशन आप देखेंगे गाइज, ये थोड़ा सा कैसल टाइप का है, यानी ये लोकेशन उस थिएटर की है जहाँ पे क्ले फेस गोल्डन एज वाला वर्क करता था। तो ये इस तरफ गाइज इशारा कर रहा है कि पुरानी वाली ओरिजिन्स और नई वाली ओरिजिन्स, इन दोनों को मिक्सअप करके शायद हमको दिखाया जाए इस वाली एनिमेटेड सीरीज में। और गाइज, जितना स्क्रीन टाइम क्ले फेस को मिल रहा है, आई थिंक क्ले फेस का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस एनिमेटेड सीरीज में। फिर आगे हमको कैटवुमैन का एक डिसेंट लुक दिखाया जाता है कि वो भाग रही है और बैटमैन उसको चेस कर रहा है। फिर गाइज हमको विलन दिखाया जाता है उनेमा टोपिया। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस विलन का नाम ही नहीं सुना होगा। एक्चुअली ये जो विलन है गाइज उनेमा टोपिया, ये दरअसल ग्रीन एरो का विलन है, लेकिन ये इसमें अपियर हो रहा है। और इस विलन के बारे में खास चीज़ ये है कि ये एक तो फुल ऑन विलन है और ये सुपर हीरोज को मारता है, उनकी जान का दुश्मन है। लेकिन गाइज ये बंदा जो है ये डायलॉग्स नहीं बोलता है, ये सिर्फ साउंड्स निकालता है। जैसे किसी को गोली मारेगा तो कहेगा बैंग या श, या किसी को सॉर्ड से मारेगा तो क्श। आप समझ रहे हैं, ये इस टाइप के साउंड्स केवल निकालता है, ये डायलॉग्स नहीं बोलता है। तो ये भी हमको नजर आने वाला है बैटमैन की इस एनिमेटेड सीरीज में। फिर हमको फायरबग का कैरेक्टर दिखा जाता है, जो आई थिंक इतना बड़ा रोल इसका होने वाला नहीं है। शायद हमको इस कैरेक्टर को यूज़ करके ये दिखाया जाए कि बैटमैन डिफरेंट डिफरेंट सुपर विलन्स, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनको बीच बीच में पकड़ के पुलिस के हवाले करता रहता है। शायद इसलिए फायरबग का यूज़ इसमें किया जा रहा है। एक छोटा विलन है ये गौथम का। और फिर हमको जेंटलमैन घोस्ट दिखाया जाता है, जो
लुक उसका है वो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की गई है इस वाली एनिमेटेड सीरीज में। आगे जाके हम ये देखते हैं एक काला स्मोक वो एल्फ्रेड की बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, और ये थ्योरी निकल के आ रही है कि नॉकचर्ना नाम की एक सुपर विलन है, शायद वो ये चीज़ कर रही है, और वो भी अपियर होने वाली है इस वाली एनिमेटेड सीरीज में। लेकिन उसका कोई लुक हमको नहीं दिखाया गया इस सीरीज के ट्रेलर में, लेकिन ये कन्फर्म है कि वो इस सीरीज में नजर आएगी। तो ये कहा जा रहा है कि शायद वही एल्फ्रेड की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आगे हमको पेंगुइन दिखाया जाता है जिसका फेस हिडन है, पता नहीं क्यों हिडन है ये हमको नहीं पता, शायद थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्या बनाने की कोशिश की गई है पेंगुइन की, इसलिए उसके फेस को हाइड किया जा रहा है। ये तो तभी पता चलेगा जब सेकेंड ट्रेलर आएगा। और हमें आइसबर्ग लॉन्च भी दिखाया जाता है, लेकिन इस बार आइसबर्ग लॉन्च जो है गाइस वो दरअसल एक शिप है। रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन आपने देखा होगा, आइसबर्ग लॉन्च दरअसल एक एक बार है, एक डांस क्लब है जो अंडरग्राउंड है। लेकिन इस एनिमेटेड सीरीज में हमको ये दिखाया जा रहा है आइसबर्ग लॉन्च जो है वो दरअसल एक शिप है जहाँ पे क्रिमिनल्स अपने इलीगल काम करने के लिए आते हैं। फिर हमें हार्ली क्विन दिखाई जाती है, और हार्ली क्विन की जो वॉइस है उसको लेके थोड़ा सा पोलराइजिंग रिव्यू निकल के आ रहे हैं, क्योंकि हार्ली क्विन की जितनी भी एनिमेटेड मूवीज आई हैं उसमें हमेशा हार्ली क्विन का जो एक्सेंट होता है वो दरअसल न्यूयॉर्क एक्सेंट होता है, लेकिन इस बार उसका जो वॉइस एक्सेंट है वो थोड़ा सा अलग दिखाया जा रहा है, इसलिए पोलराइजिंग रिव्यूज हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। आगे हमें रिनी मोंटाया दिखाई जाती है। रिनी मोंटाया के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी में भी ये कैरेक्टर नजर आया था, और ये दरअसल कपल है यानी कि लवर है हमारी हार्ली क्विन की। हार्ली क्विन जब उसका दिमाग खराब नहीं हुआ था, वो पहले जब एक साइकाइट्रिस्ट थी उस वक्त ये रिलेशनशिप में थी रिनी मोंटाया के साथ, यानी कि सेम जेंडर लव का कॉन्सेप्ट है इन लोग का। तो रिनी मोंटाया उस टीम का हिस्सा है या उस टीम की हेड है जो बैटमैन को हंट डाउन कर रहे हैं। और गाइस आगे एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक कार में से एक लड़की फायर कर रही है गन को, और दरअसल ये बारबरा गॉर्डन है, और एक बंदा उसको चेस कर रहा है जिसने हैट पहनी हुई है और उस हैट पे पर्पल कलर है। तो गाइस ये थ्योरी निकल के आ रही, दरअसल ये जो बंदा है ये दरअसल जोकर है, यानी जैक नेपियर का कैरेक्टर है शायद ये। शुरुआत में उसका दिमाग सही रहेगा, लेकिन मे बी जब बैटमैन से उसका पंगा हो तो शायद वो बाद में जाके जोकर में चेंज हो जाए। तो गाइज ओवरऑल गाइज ये ट्रेलर है बैटमैन द केप्ड क्रुसेडर का। कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं गाइज इस ट्रेलर में, और कुछ हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेलर का, तभी हम उस पर अपना ओपिनियन बना सकते हैं। और अगर क्ले फेस को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है तो पर्सनली गाइज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि गाइज ये बहुत ही अच्छा बैटमैन विलन है जिसको लाइव एक्शन में भी अब यूज़ करना चाहिए। और ये बात निकल के आ रही है कि हमारे जो मैट रीव्स हैं वो शायद अपने रॉबर्ट पैटिंसन की यूनिवर्स में क्ले फेस के कैरेक्टर को भी यूज़ करेंगे। तो गाइज आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो ट्रेलर है बैटमैन द केप क्रुसेडर का ये आपको कैसा लगा, और जो 1940s का जो थीम लिया गया है, जो एनिमेशन स्टाइल है, ये आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और DC अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।